और तीसरा है हमारा सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री ओके एंड सी ओ एच अब एन इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप इसने इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ किया यहां से भी इलेक्ट्रॉन विद्रॉ हुआ और यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ ना इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ होगा तो सी डबल बॉन्ड ओ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा यानी कि एच प्लस के साथ जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा अब ब्रोमीन दूर है ब्रोमीन दूर है तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कम होएगा लेकिन ऊपर जितना कम नहीं होएगा तो हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड होएगा वो आपका स्ट्रांग होएगा ठीक है स्ट्रांगर देन द फर्स्ट वन थर्ड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी अ स्ट्रांगर बॉन्ड नाउ यू ऑल कैन योर सेल्फ टेल मी विच वन इज द वीकेस्ट विच वन इज द स्ट्रांगेस्ट एंड अरेंज इट बताना विच वन इज विच वन विल बी द वीकेस्ट एसेड थर्ड विल बी द वीकेस्ट क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रांगेस्ट है उसके बाद से दिस विल बी द वीकेस्ट एसेड थर्ड धन हु विल बी द नेक्स्ट वीकर एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होएगा वन ठीक है आया समझ में तो से नहीं गया। फिर से समझाते हैं इसको कंट्रोल जी करते हैं ओके okay. गायब हो गया ठीक है फिर से देखना बेटा आप ये C डबल बॉन्ड O O है O पे नेगेटिव होता है H पे पॉजिटिव होता है ठीक है बॉन्ड क्या हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है विदड्रॉ हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन अगर इलेक्ट्रॉन विद्रॉ होगा तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो कम होएगा या ज्यादा होएगा कम होगा तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड जो होगा स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होएगा तो, क्यों स्ट्रॉन्ग होएगा इलेक्ट्रॉन बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बनना है नेगेटिव कम हो गया तो बॉन्ड क्या हो जाएगा वीक ठीक है अब इसमें भी हमारा सेम चीज है लेकिन ब्रोमीन ब्रोमीन जो है वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन पे है यहां पे ब्रोमीन सेकेंड कार्बन पे था तो इलेक्ट्रॉन तो विदड्रॉ करेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कम विदड्रॉ करेगा कम विदड्रॉ करेगा तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होएगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले वाले से क्या है ज्यादा ठीक है ये ये आ गया बेटा समझ में यस yes, okay. अब अब ये जो सी एच थ्री है सी एच थ्री डोनेट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसमें होएगा नाउ व्हाट इज एन एसिड एन एसिड दैट कैन रिलीज एच प्लस इजिली तो H प्लस सबसे इजीली कहां पे रिलीज होगा वन पे टू पे या थ्री पे थ्री पे थ्री पे तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है बॉन्ड टूटेगा ही नहीं H प्लस रिलीज ही नहीं होएगा। सबसे इजीली H प्लस कहां से रिलीज हो रहा है फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला स्ट्रॉगेस्ट एसिड फर्स्ट वाला है उसके बाद से टू और थ्री में कौन हाइड्रोजन अब रिलीज कर सकता है इजीली शाबाश और फाइनली थर्ड तो ये हो गया अरेंजिंग। और ऐसे वाले कितने मार्क्स के आते हैं वन और टू मार्क्स बोर्ड्स में ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो ये भी क्लियर हो गया ये डाउट मिस्टर सक्षम ओके सो दिस इज आल्सो डन